hello and welcome back to my youtube channel this is dr vidhi chavla how are you doing it's been a while since i've posted on youtube like i've posted a proper talking video on youtube because i was travelling and then i did pre record two videos but i didn't get the time to edit them i'm all about consistency but kabhi nahi ho and i mean just do your best every day anyway so today's drink of choice is Oh, a very simple drink. I have added lemon, dalai, electrolytes, dalai, and um, some sabja seeds. Can you see it? Mm. So let's dive into today's nutrition therapy episode. You must have guessed by the title of the video: how to manage your cravings. Oh my God, I feel. दिस इज़ सच एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट सबसे पहले तो ये बात करते हैं यार की क्रेविंग्स होना बहुत ही नॉर्मल चीज है इट इज़ एब्सोल्यूटली ओके इफ यू क्रेव फॉर चॉकलेट्स इफ़ यू क्रेव फॉर सॉल्टी फूड्स इफ यू क्रेव फॉर क्रसौ इफ यू क्रेव फॉर डाइट कोक इफ यू क्रेव फॉर मोमोज इफ यू क्रेव फॉर पिज्ज़ाज दिस इज़ सो नॉर्मल सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट भी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ बिकॉज I get so many DMs from people like I'm really struggling with my cravings and I hate that I'm craving all these things. No, don't hate your cravings. Cravings होना कोई बहुत गलत बात नहीं है We need to understand की cravings क्या होती हैं cravings क्यों होती हैं और उनको कैसे deal करना है basically. क्योंकि in the long run अगर आप अपनी cravings के हिसाब से ही चलते रहोगे for example अगर मैं और किसी के लिए मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे सॉल्टी फ्राइड फूड्स सॉल्टी फ्राइड फैटी फूड्स बहुत पसंद हैं तो अगर मैं अपनी क्रेविंग्स के हिसाब से चलूँगी तो मैं रोज़ फ्राइज खाऊँगी सीरियसली बट मैं उस हिसाब से नहीं चल सकती हूँ ना क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर माई लॉन्ग टर्म हेल्थ तो हमें अपनी क्रेविंग्स को समझने की ज़रूरत है कि मुझे क्यों हो रही है क्रेविंग्स यार और मैं डील कैसे करूँ इनके साथ राइट सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टूडेज एपिसोड ऑफ न्यूट्रेशन हेल्थी

आप अपनी भूख को नहीं मार सकते हो ये चीज़ आप समझ लो अगर आप अपनी भूख को सप्रेस करोगे अगर आप ये सोचोगे कि यार ठीक है वेदर यू डू वेदर यू स्किप मील्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कभी कभी हम अनइंटेंशनली भी मिस कर देते हैं हमारी कॉल्स जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो कभी मेरा लंच वन थर्टी की जगह सीधा तीन बजे हो जाता है तो मेरे को अजीब सी क्रेविंग्स होने लग जाती हैं जैसे मेरा मील टाइम निकल जाता है जैसे टू टू थर्टी होता है तो आई जस्ट स्टार्ट क्रेविंग लाइक चॉकलेट्स एंड आई जस्ट स्टार्ट क्रेविंग मुझे लगता है कि मैं चिप्स खा लूँ या मैं ये खा लूँ बट वो क्रेविंग्स एक्चुअली क्रेविंग्स नहीं है इट्स जस्ट दैट आई हैवन ट एंड जब आपने कुछ खाया नहीं होता है तो आपकी बॉडी नेचुरली आस्क फॉर न्यूट्रिय आस्क इट आस्क फॉर फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑल्सो जब आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने मील्स लेते हो ना तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक्स बहुत इंटेंस नहीं होते हैं जब भी आपके मील्स बहुत बैलेंस्ड होते हैं जैसे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स माइक्रोन्यूट्रींस तो प्रोटीन फाइबर इस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ये स्पेशली हेल्प इन द स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्राम द फूड इन टू यूर ब्लड स्ट्रीम इसलिए वो एकदम इंस्टेंट स्पाइक्स नहीं देता सो बेसिकली वॉट यू कैन डू अब अगर आप इंटेंशनली मील स्किप करते हो देन मे बी दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड दैट यू डोंट हैव टू स्किप मील्स मील स्किप करने से आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका वेट जल्दी लूज हो जाएगा वो नहीं होगा यू विल एंड अप ईटिंग मोर और आपका वेट लूज होने की बजाय यू विल एंड अप गेनिंग इट प्लस आप अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ भी खराब करोगे सो इफ यू आर डूइंग इट इंटेंशनली

या फिर स्मूदीज जैसे कि दे आर अ वेरी क्विक uh, ब्रेकफास्ट या फिर सैलड मैं तो कभी कभी ऐसे करती हूँ कि किडनी बीन्स को मैं कुक करके रख लेती हूँ रात को फ्रिज में वेजिटेबल्स को कट करके रख लेती हूँ तो सुबह मुझे सिर्फ असेंबल करना है और ड्रेसिंग डालना है एंड आई एम डन राइट तो मे बी मील प्लानिंग एंड मील प्रेपिंग इज़ अ गुड आइडिया फॉर यू अगर आप अन अपने मील स्किप कर देते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है एंड अगर आपका ऐसा होता है कि मील टाइमिंग थोड़ा मूव हो जाता है शिफ्ट हो जाता है मेक श्योर sure कि अपने पास कुछ स्नैक्स रखो कि जैसे ही वो मील टाइम आए एटलीस्ट यू ईट समथिंग क्योंकि आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है आई एम गेटिंग फूड तो आपकी क्रेविंग्स थोड़ी सी कर्बड रहेंगी सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन जो मैंने देखा है अपने साथ भी एंड विद माई क्लाइंट्स इन माई क्लिनिक आई हैव सीन दैट

इस इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इतना सारा केमिकल इंजीनियर फूड है हमारे पास हम इनको कम्प्लीटली कट नहीं कर सकते हैं डाइट में से एंड मुझे लगता है कि हम देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद कंज्यूमिंग दीज फूड्स एवरी वनस इन अवाइल्ड इन फैक्ट मुझे लगता है कि जब आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में जैसे कि कुकीज़ हो गई क्रसाव हो गया पेस्ट्रीज हो गई केक्स हो गए पिज्जाज हो गए मुझे लगता है आपकी हेल्दी ईटिंग और सस्टेनेबल बनती है क्योंकि टॉर्चर नहीं लगती है डाइट ऐसा नहीं लगता है कि यार ये तो टॉर्चर है मतलब यू you नो know? तो जब आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हो ना जब आप अपने आप को बोलते हो कि बाहर का नहीं खाना या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कई मै मैक्रोन्यूट्रेंट्स कम्प्लीटली कट कर देते हैं जैसे कि काब्स वो तो कीटो डाइट पे चलते हैं जैसे कि सिर्फ प्रोटीन और फैट कंज्यूम करते हैं बहुत थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं या फिर कई लोग कुछ फूड आइटम्स कम्प्लीटली कट कर देते हैं जैसे कि राइस कट कर देते हैं पोटेटो कट कर देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग करते हो यू आर फॉलोइंग अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट तब भी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अनयूजअल क्रेविंग्स आती हैं सो अगेन लाइक आई सेड दैट आप अपनी क्रेविंग्स को और आप अपनी भूख को दबा नहीं सकते हो आपको इसको एड्रेस करना है यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट कि अच्छा अगर मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है आप एक दिन रुकोगे दो दिन रुकोगे तीन दिन रुकोगे चौथे दिन ही और बिन जॉनेट तो इससे बेटर है जब आपको पहले दिन ही वो क्रेविंग होती थोड़ा सा खा लो आप तीन दिन बाद बिंज नहीं करोगे उस फूड पे एंड कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग में ना वो चीज़ ऑक्यूपाई नहीं करेगा आपके माइंड में वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कराए करेगा चीज़ कि मुझे ये खाना है मुझे ये खाना है मुझे ये खाना है वो उसी लेवल पे उतना करके आप छोड़ दो अब वो आगे कैरी ऑन ही नहीं होगा और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है जो रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग होती है ना ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है ऑफ स्कॉ सिटी कि आपको ऐसा फील होता है कि यार ये जो तो मैं नहीं खा सकता मैं दैट इज फॉरबिडन तो यू क्रेव फॉर इट इवन मोर होता है ना दैट जब आपको पता चल जाता है कि वो नहीं करना है तो और करने का मन करता है तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम इतना ज़्यादा क्रेव करते हैं कभी कभी और हमारी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जो ये डिप्रीवियशन माइंड होता है ना ये बहुत ज़्यादा एंगजाइटी भी कॉज कर देता है कई लोगों में एंड फिर उनको फ़ूड एंगजाइटी हो जाती है फिर उनको बहुत स्ट्रेस होने लग जाता है और अगर वो फूड वो खा भी लेते हैं ना तो भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करती हूँ यार कि इतना इतना रिस्ट्रिक्टिव डाइट मत करो ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस जैसे मैं तो एटी ट्वेंटी रूल फॉलो करती हूँ एटी परसेंट ऑफ़ द टाइम मेरी डाइट बहुत सॉलिड रहती है मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ बाहर का इनफैक्ट फॉर दैट मैटर उस एटी परसेंट में मैं एक कुकी या एक चॉकलेट का पीस या वो भी नहीं खाती हूँ लेकिन ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस दूँ मेरा जो मन कर रहा है मैं खा लूँ क्योंकि लाइफ की चाम लाइफ की खुशी वो सब नहीं जाना चाहिए प्लस अगेन हेल्दी ईटिंग इज मच मोर सस्टेनेबल इफ योर डाइट्स आर नॉट टू रिस्ट्रिक्टिव नहीं तो हेल्दी ईटिंग एक टॉर्चर लगने लग जाता है एक टाइम के बाद यू नो रीजन नंबर थ्री वाई यू माइट बी हैविंग इंटेंस क्रेविंग्स क्रेविंग्स आर बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल कभी कभी एक सिग्नल होती हैं कि योर बॉडी इज लैकिंग सर्टन न्यूट्रिय

सिम्टम्स हो सकते हैं फैटीग होना मसल क्रैम्प्स होना सोरनेस होना बहुत ज़्यादा यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन एड पम्पकिन सीड इन योर डायट वन टी स्पून पम्पकिन सीड ले लिया कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल लिया मैग्नीशियम रिच फूड्स ले लिए ताकि आपकी वो क्रेविंग्स अपने आप ही कम हो जाएं क्योंकि क्रेविंग आपको चॉकलेट की हो रही है बट न्यूट्रिएंट जो क्रेव कर रहा है बॉडी दैट इज़ मैग्नीशियम वाटर ब्रेक fourth reason why you might be having intense cravings because of your emotions <laughs> oh god main to bahut emotional eating karti hu yaar matlab karti thi ab to it's quite managed basically emotional eating hota hai when we reach out for food for comfort for joy for feeling better basically जब ऐसा लगता है यार life में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कहीं से खुशी नहीं मिल रही है तो खाने से तो मिल ही जाएगी

क्योंकि खाना खाने से ना हमारा नर्वस सिस्टम बहुत काम डाउन हो जाता है हम रिलैक्स हो जाते हैं तो इट्स वेरी कॉमन एंड डोंट नो नीड टू फील बैड अबाउट इट बट इमोशनल ईटिंग इन द लॉन्गर रन इज प्रोबली नॉट द बेस्ट फॉर यू क्योंकि अगर आप इतना इमोशनल ईटिंग में डाल डालोगे आपका वेट बहुत बढ़ेगा अगर आपका वेट बढ़ेगा ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारी हेल्थ कंडीशन आ जाती है फीमेल्स में जैसे कि पी बहुत ज्यादा हो जाता है बने योर वैन योर वेट इंक्रीजेस थायरॉयड हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ये सब भी साथ साथ आते हैं राइट वेन एवर यू आर फीलिंग वेरी इंटेंस इमोशंस तो आपकी क्रेविंग्स भी बहुत हाइटेंड होती है एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल द फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिकम अवेयर कि यार मेरे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग क्यों हो रही है अपने अंदर ना एक पॉज बटन लेके आओ पॉज करना सीखो कि मुझे इतनी इंटेंस क्रेविंग क्यों हो रही है एंड देन मे बी वैन यू सिट वैन वैन यू पॉज एंड सिट एंड रिफ्लेक्ट आपको रियलाइज होगा हाँ यार मे बी बिकॉज आई एम फीलिंग दिस इमोशन की मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील कर रही हूँ या मैं फील कर रहा हूँ मे बी दट इज़ वाई आई एम क्रेविंग फॉर दीज फूड्स अनदर वे टू मैनेज इमोशनल ईटिंग और to अंडरस्टैंड इमोशनल ईटिंग इज एंड मेंटल और इमोशनल हंगर फिजिकल हंगर जो होती है ना वो स्लोली बिल्डअप होती है जैसे कि रात को डिनर करा सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक भूख लगी होती है ऐसा लगता है भूख लग रही है अब बट जो मेंटल हंगर होती है ना वो ऐसे फटाक से आती है जैसे कि लंच कर लिया पेट भर गया यू आर फुल बट एक छोटा पीस ऑफ मीठा यू वॉन्ट सो दैट इज मेंटल हंगर या तो वो हैबिट से बना है या फिर आपको लगता है कि यार इसके बिना तो मुझे सेशिएटेड लगेगा ही नहीं जबकि आपका पेट भर चुका है राइट तो एकदम से सडन क्रेविंग्स होना जैसे कि फटाफट चिप्स उठाए और खा लिए जो फटाफट हंगर आती है ना वो यूजुअली मेंटल और इमोशनल हंगर होती है और जो स्लोली स्लोली बिल्डअप होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल हंगर तो लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि ये मेरी अपने आप देखो अपने आप को ना समझना शुरू करो अपने आप को जज मत करो अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो थी 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 थी, अपने आप को कंपेयर मत करो फ्रॉम व्हाट यू सी ऑनलाइन और फ्रॉम व्हाट यू सी अराउंड यू अपने आप को समझना शुरू करो जितना आप अपने साथ बैठोगे जितना आप अपने आप को समझना शुरू करोगे उतना ही आपकी लाइफ ईजी होगी कि क्यों हो रहा है ऐसा कि मुझे क्यों इतनी क्रेविंग्स हो रही हैं तो आपको समझ आएगा कि यार अच्छा हाँ में भी मेरा मूड खराब है तो मुझे लग रहा है कि खा के शायद मूड सही हो जाए यू नो इन चीज़ों को समझना अनदर वे टू मैनेज इमोशनल ईटिंग इज फाइंडिंग अ हॉबी जब भी आपको लगे ना कि यार मेरे को इसमें आई एम फीलिंग लॉड ऑफ थिंग्स एंड आई फील लाइक आई एम रीचिंग आउट फॉर फूड इनमें डरे आप अप, अपने आप को किसी दूसरी डायरेक्शन में डाल दो रीडिंग में जर्नलिंग में डांसिंग में सिंगिंग में एक्सरसाइज में दिस विल हेल्प दिस विल हेल्प नंबर फाइव रीजन वाई यू माइट बी हैविंग इंटेंस क्रेविंग इज डिहाइड्रेशन कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं

तो ये आदत ठीक करो अपनी सो ऑलवेज वाटर बॉटल विद यू हमेशा मैं तो रेकमेंड करती कि 2.5 टू 3 liters पीना चाहिए अब गर्मी है तो मैं तो तीन से ऊपर पीती हूँ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि मुझे प्यास लगती है और मैं हमेशा ये बोलती हूँ अगेन अपनी बॉडी को समझना शुरू करो नो टू बॉडीज आर सेम योर बॉडी एंड माई बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट हमारी मेडिकल हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री हमारा मेटेबलिज्म हमारी डाइट हमारा वर्कआउट लाइफ स्टाइल सब कुछ स्ट्रेस लेवल सब कुछ डिफरेंट है वॉट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू तो मैं तो अपने लिए इतना करती हूँ कि विंटर्स में टू पॉइंट फाइव टू थ्री और समर्स में 3 टू 3.5 पॉइंट फाइव लीटर्स मुझे चाहिए ही चाहिए होता है इतना पानी और अगर मैं नहीं पीती हूँ ना तो मेरे को अजीब अजीब क्रेविंग्स होती है और फिर मैं सोचती हूँ मुझे क्यों इतनी क्रेविंग्स हो रही है मुझे रियलाइज होता है आधार ने पानी कम पिया है इसी बात पर लेट्स फिनिश दिस नंबर सिक्स इज स्लीप एंड क्रेविंग आई डोंट नो अबाउट यू बट अगर मैं देर तक जागूंगी मुझे कुछ ना कुछ खाने की भूख लगेगी एंड आई डोंट वांट टू ईट अ मील मुझे एक बहुत ऐसा रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करेगा मुझे स्नैकिंग करने का मन करेगा चिप्स मैगी आइसक्रीम कुकीज़ इसका रीज़न ये होता है कि यूजुअली हम अपना डिनर कर लेते हैं मोस्ट पीपल अपना डिनर कर लेते हैं बिटवीन एट टू नाइन थर्टी इतने बीच में तो मोस्ट पीपल कर ही लेते हैं टू एंड हाफ टू थ्री आवर्स के बाद भूख लगने लग जाती है तो अगर आप बारह बजे तक जगे हुए हो साढ़े ग्यारह बारह तक फिर आपको भूख लगेगी एंड इट इज़ वेरी नेचुरल बहुत ही नेचुरल है भूख लगना और ये भी बहुत नेचुरल है कि खाने की भूख नहीं लगेगी कुछ स्नैकिंग की भूख लगेगी क्योंकि मील तो अभी खाया है तो उसके बाद स्नैक की ही भूख लगेगी तो इट इज वेरी नॉर्मल अगर आप देर तक जागते हो और आपको भूख लगती है अब इसके लिए वॉट यू कैन डू इज वन अपना मील टाइमिंग थोड़ा सा शिफ्ट कर लो मैं ना कोई भी डाइट मिथ्स नहीं प्रमोट करती हूँ जैसे कि कई लोग होते हैं साढ़े सात बजे अपना डिनर कर लो अरे कैसे कर लो यार साढ़े सात बजे कोई क्लिनिक में बैठा है साढ़े सात बजे कोई ऑफिस में बैठा है साढ़े सात बजे कोई ड्राइव करके घर पहुंचता है और इस चीज का अलग स्ट्रेस दिमाग पे कि ओह मेरे को साढ़े सात बजे से पहले डिनर करना था अरे नहीं पॉसिबल है तो स्ट्रेस मत लो क्योंकि स्ट्रेस और प्रॉब्लम को आई नीड टू ब्रीथ स्ट्रेस और प्रॉब्लम को एग्रवेट करेगा यू you नो know? तो अपने लाइफ के हिसाब से अपनी लाइफ में चेंजेस करो मैं तो यही बोलती हूँ सबको अपनी डाइट और अपने वर्कआउट को अपने लाइफ के हिसाब से प्लान करो आइडियल सिनेरियोस मत लेके चलो किसी की लाइफ आइडियल सिनेरियोस भी नहीं चलती यार मेरी भी नहीं चलती और आइडियल सिनेरियो नहीं है उस चीज को लेके स्ट्रेस लेना और ये तो ऐसे नहीं है मुझे इतने बजे तक ये खा लेना चाहिए था मुझे रात को ये नहीं खाना वो और स्ट्रेस ऐड करता है और जब आप कुछ खाते हो ना देखो फूड इज एनर्जी आप किस इंटेंशन से खा रहे हो क्या आपका माइंड सेट है खाना खाते टाइम ये बहुत इफेक्ट करता है आपके एनर्जी को कि आपकी एनर्जी कैसी है आप अच्छे से अच्छा फूड खा लो आपको उससे ब्लोटिंग हो जाएगी गैस हो जाएगी अगर आपका माइंड ओवर एक्टिव है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो वाई लीटिंग दैट फूड राइट तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपके डिनर और आपके स्लीप टाइम में ज़्यादा डिफरेंस है तो अपना डिनर टाइम थोड़ा सा मूव कर लो और डिनर टाइम से थोड़ा सा पहले आधा घंटा पहले ट्राई हैविंग सैलेड बोल कुछ सैलेड ले लिया या कुछ सूप ले लिया कुछ ऐसा ले लो ताकि थोड़ा फिलिंग भी हो जाए डिनर टाइम तक भूख ना लगे और जब आपका यूजुअल डिनर टाइम है उसके एक घंटे बाद आप अपना डिनर कर लो भी है लेट्स से कि आपने डिनर पहले कर लिया भूख लगती है तो कुछ हेल्दी स्नैक्स ला के रखो अपने घर पे जैसे कि मखाना ला के रखो जैसे कि एक एनर्जी बॉल मैंने रेसिपी डाली हुई है इंस्टाग्राम पे वो क्रिएट कर लो तो मेक श्योर दैट यू हैव सम हेल्दी स्नैक्स ऑन हैंड ये तो हमने समझ लिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर योर क्रेविंग्स आई वांट टू टू ऐड दिस इज दैट लर्न टू ऑनर योर क्रेविंग्स मतलब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ बट आई एम ऑल्सो कॉन्टेंट कंज्यूमर एंड सम्स एज अ कॉन्टेंट कंज्यूमर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ ऑन सोशल मीडिया एंड बाय वेरी यू नो वेरी वेल नोन पीपल वेरी वेल नोन हेल्थ प्रोफेशनल्स तो मैं खुद ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि यार ये कौन सा ही बोल रहा है इनमें से फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं कि शुगर बिल्कुल कट कर दो मैं नहीं बोलती हूँ मैं कर ही नहीं सकती हूँ मैं खुद ही नहीं कर सकती हूँ शुगर कट अरे मुझे बहुत पसंद है यार चॉकलेट्स पर मैं ये बोलती हूँ कि मॉडरेशन प्रैक्टिस करो और बाकी की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए एक बैलेंस बना के चलो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न टू ऑनर योर क्रेविंग्स अपनी क्रेविंग्स को ऑनर करना स्टार्ट करो यार लर्न टू बी नाइस टू योर सेल्फ अपने आप को यू नो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मुझे क्यों क्रेविंग हो रही है या मैं नहीं खाऊंगी या मुझे नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स में मत जाओ अगर किसी चीज की क्रेविंग हो रही है तो खा लो यार थोड़ा सा खा लो कोई दिक्कत नहीं करेगा लॉन्ग टर्म हेल्थ में अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में एक दिन में तीन मील्स होते हैं तो एक हफ्ते में ट्वेंटी वन मील हो गए ठीक है लेट्स से ट्वेंटी वन मील्स में से ट्वेंटी मील्स आपके बिल्कुल ऑन पॉइंट है और एक वन मील में आपने पिज्जा खा लिया यू वेंट ऑल आउट और आपने पिज्जा भी खा लिया स्पिगेटी भी खा ली वो एक मील और वो ट्वेंटी मील डू यू सी द डिफरेंस वो एक मील क्या कर देगा लेकिन वो एक मील आपको हेल्प करेगा इन बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्गर रन और आपको खुशी भी मिलेगी ऐसा नहीं लगेगा कि आर एवरीथिंग इज जस्ट लाइफ इज़ अ व वेस्ट एंड कुछ नहीं रखा है जिंदगी में स्टफ़ लाइक दैट मैं तो उस जोन में चली जाती हूँ जब जा मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता तो लर्न टू ऑनर योर क्रेविंग जर कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन एट योर फेवरेट फूड्स इतना भी डीमोनाइज मत करो कुछ फूड्स को कि ये बिल्कुल बैड ये बिल्कुल गुड ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ इज नेवर ब्लैक एंड वाइट लाइफ इज़ ग्रे इतना डिमोनाइज मत करो लर्न टू ऑनर यूर क्रेविंग सेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द टाइम यू इंजॉय योर फेवरेट फूड्स एटी परसेंट ऑफ़ द टाइम योर डाइट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट हर मील में प्रोटीन काब्स फैट्स माइक्रोन्यूट्रंट्स होने चाहिए फाइबर खूब सारा होना चाहिए डाइट में प्रोटीन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स काब्स होने चाहिए फ्रूट्स होने चाहिए वेजिटेबल्स होने चाहिए नट्स एंड सीड्स खूब सारा पानी होना चाहिए ये नरिशिंग फूड्स भी खाने हैं क्योंकि बॉडी को यही चाहिए होता है रियल न्यूट्रिशन यही होता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Well, thank you so much for sticking around. And with this, we come to the end of nutrition therapy episode. I hope that you found this helpful. I've learned ko if this video helpful, then my job is done. Please let me know what else you want me to talk about on my nutrition therapy series in the comment section. And thank you so much for watching. I appreciate your support. I'm extremely grateful for you. I'll see you in my next video. Bye. मिलने क्या आप घंटा पहले ट्राई ट्री ट्राई है दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है